السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القران ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه او كما قال عليه الصلاه والسلام محترم ناظرين إكرام برنامج تجويد القران كساد साथ आपका قاري عبد الصبور आपकी خدمت میں حاضر ہے محترم अल्लाह इज़्ज़त ने हमें ये मौका फ़राहम किया है कि हम उसके पाक कलाम को तजवीद के साथ पढ़ना सीख लें और मखारज और सफ़ात के साथ हम क़ुरान करीम की ऐसी तरावत करें कि जैसा कि उसका हक़ हाँ है नाज़रीन इकराम फिर जब हम क़ुरान करीम की तलावत करें तो हमारे ऊपर एक कैफियत सितारी हो जाए फिर जब हम क़ुरान करीम की तलावत करें तो हमारे सीने नूर से मुनवर हो जाएं और फिर जब हम क़ुरान करीम की तलावत करें तो अल्लाह इज्जत ख़ुद हमारी तलावत को सुने एक हदीस में आता है जैसे कोई औरत गाना गा रही हो और उसका आशिक पूरी तवज्जो के साथ सुन रहा हो अल्लाह रब्ल मजीद के साथ क़र्न मजीद तजवीद के साथ पढ़ने वाले के कुरान को इससे भी ज़्यादा तवज्जो के साथ सुनते हैं नाजरीन कराम जब अल्लाह रब्ज़त इतनी तवज्जो के साथ मोमिन बंदे के क़र्न मजीद पढ़ने को सुनते हैं तो फिर सोचिए उसके उप, उस मोमेंट के ऊपर क्या कैफियत होनी चाहिए कि वो क़ुरान करीम पढ़ रहा हो और अल्लाह इज़्ज़त उसका कुरान सुन रहे हों एक और हदीस शामिल करने लगा हूँ और उसके बाद फिर अपने सबक की तरफ चलते हैं नाज़रीन इकराम हदीस में आता है कि सर्दियों की लंबी रात थी ज़हरा फ़ातमतर अलैहा इशा की नमाज के बाद दो रगत की नियत बांध दी क़रा मज़ीद पढ़ती रही पढ़ती रही ऐसी तबीयत मचल रही थी कि दिल कर रहा था कि और पढ़ें और पढ़ें और जब सलाम फेरा तो पता चला कि सुबह का वक्त बिल्कुल करीब है अज़ान का वक्त करीब हो चुका है तो दुआ के लिए हाथ उठाए और रोने लग गई रोते रोते उन्होंने ये दुआ मांगी कि अल्लाह मैंने तो दो ही रकत की नीयत बांधी थी तेरी रातें कितनी छोटी हैं कि फ़ातिमा की दो रकत में तेरी सारी रात ख़त्म होगी सुबह अल्लाह नाजरीन क़राम ये कुरान के साथ मोहब्बत थी ये कुरान करीम के साथ खलूस था हम अल्लाह रब्ज़त से दुआ करते हैं कि हमें साहबा क़राम के नक्शे कदम पर चलने की तोफ़ी कता फरमाए जिस तरीके से वो कर्न करीम के साथ मोहब्बत करते थे उसी तरीके से हमें क़ुरान करीम की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए नाज्रन कर अल्लाह रब्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब लज्ज़त हमें अखलास नीयत के साथ क़ुरान करीम पढ़ने पढ़ाने समझने और उस पर अमल करने की तोफ़ी ताफ़रमाई आमीन सुम्मा आमीन नादरी इकराम बिला तख़ीर अपने सबक की तरफ चलते हैं गज़त प्रोग्राम में हमने हरकत में से हरकत सबसे पहले जो ज़बर है वो हमने पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे ज़ेर के बारे में ज़बर ज़ेर और पेश दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश फिर इसी के साथ खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश ये सब हरकत हैं ये सब हरकत में शामिल हैं सबसे पहले हमने हरकत के बारे में पढ़ा हरकत यानी कि ज़बर के बारे में किसी भी लफ्ज़ के ऊपर जो लाइन होती है छोटी सी लफ्ज़ के ऊपर हो हर्फ के ऊपर हो तो उसको ज़बर कहते हैं हर्फ के नीचे हो तो उसको ज़ेर कहते हैं जब ज़बर जब पढ़ा जाता है आवाज़ ऊपर की तरफ जाती है जैसे बा ज़बर बा बा जबर बा ता जबर ता इसी तरीके से जब जेर पड़ी जाती है तो आवाज़ नीचे की तरफ़ होती है जेर कहते भी नीचे को हैं और इसी तरीके से आवाज़ भी नीचे की तरफ़ होती है जैसे बा ती सा जेर थी। इसी तरीके से जब पेश पड़ा जाता है पेश में होठों को गोल कर देते हैं ना तमाम गोल होते हैं बा पेश बो ता पेश तु इस तरीके से लिहाजा हम आज जैर के बारे में पढ़ेंगे और उसी के साथ हम मशक भी करेंगे आज तोड़ और जोड़ के साथ भी पढ़ेंगे जिस तरीके से हम ज़बर पढ़ा हमने ज़बर पढ़ा था इसी तरीके से हम जेर भी पढ़ेंगे इन आज تو اپ میرے ساتھ شروع کیجئے اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल हिर मै निर्रही बिसमिलिर इस तरीके से इस वजह से पढ़ाया जाता है कि बहुत सारे लोग आऊजबिल्ला और बिस्मिल्लाह में ही ग़लतियाँ कर देते हैं और हर है इसी वजह से आराम से एक एक दो दो लफ्ज़ करके पढ़ाया जाता है ताकि आसानी से समझ सकें आप अब हम पढ़ेंगे ज़ेर के बारे में ज़ेर का भी उसी तरीके से ख़्याल रखना चाहिए तीन बातों का ख्याल रखना लाजमी है कि ज़ेर को लंबा करके नहीं पढ़ेंगे यानी कि बाजिरबी ताज़रती शाजिर सी इसी तरीके से दूसरा ये कि झटका देकर नहीं पढ़ना बाज़िर भी शाजिर सी इस बात का भी ख़्याल रखना है और तीसरी बात कि मारूफ पढ़ना भी पढ़ना है मारूफ पढ़ना है मज़हूल नहीं पढ़ना जेर को इसकी अदायगी इस तरीके से होगी बाजेर भी झटका भी महसूस ना हो और लफ्स लंबा भी ना हो खेच के बिना पढ़ा जाए। बाजेर भी ना सी जीम जेर जी

sin zersi, shin zersi, sod zersi, dad zersi, ta za zersi, ain zersi غين زرغي فا زيرفي قاف زرقي كاف زيركي لام زيرلي ميم زيرمي نون زيرني एक वो हमज़ा जो हमज़ा की शक्ल में है और दूसरा अलिफ़ की हम जो शक्ल में हमजा है यानी कि अलिफ़ के ऊपर अलिफ नीचे ज़बर ज़ेरपेश के साथ जब हमज़ा बनता बनता है हमजा ज़ेर ई य जेर ई तो नाजरीन इक्राम रॉ रा, रा उस वक्त मोटा पड़ा जाता है जब के ऊपर ज़बर हो और पेश हो रॉ के नीचे जब जेर हो तो उसको बारीक पढ़ेंगे जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा रॉ री जब ज़ेर पड़ी तो उसको बारीक करेंगे इसकी आवाज़ को इसी तरीके से बाकी जितने भी लफ्ज़ जो मोटे पड़े जाते हैं उनकी आवाज़ उनके मखरज की वजह से मोटी होती है ख़ो ज़ेर ख़ै जेर सई दौ जेर गई क़ौ ज़ेर कई इसी तरीके से ये सारे गईन जेर गई जेर क़ै ये इसी अपने मखरज के साथ पढ़े जाएंगे आ, आगे हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं अभी तोड़ के साथ जिस तरह हमने जबर के साथ जबर के सबक में पढ़ा जबर गौ दो ज़ेर दी बा जबर बबर बौदी दी बा, गौदी बा, गौदी बा, गौदी बा ऊपर तोड़ के साथ लिखा हुआ है और नीचे जोड़ के साथ आपकी आसानी के लिए इंशाल्लाह आसानी से समझ सकेंगे आप है जबर है सीन जेर सी है सी बबर बसीब है सीब शीन जबर शाह यानि कि यहाँ पर जबर और जेर दोनों आ रहे हैं मशक में भी और तोड़ और जोड़ में भी शीन जबर शाह रॉज शरी बबर बरीब شرب قاف زبر قوم. ميم زبرمة قمة را زري قمري قمري همزه زبر أ. ذال زري اذي نون زبرنا أذينا أذينا لام زبرلا با زير بي لبي ثا زبرثا لبيثا لبيثا इसी तरीके से हम इसकी मशक करेंगे अभी और इसमें वक्फ के साथ पढ़ेंगे हमजा जबर ज़ेर अर अजी नून जबर न अजीना इसका वक्फ इस तरीके से करेंगे अदीन अदीन आइन जबर आ ही, जेर ही जबर द और इसका वक्फ इस तरीके से करेंगे आहिद, आहिद ताल की आवाज़ कलकल के साथ निकलेगी जैसे कि मैंने जबर में बताया था कि कौफ कौ ब जीम दाल ये पाँच हरूफ़ हैं जब इनके ऊपर जज़्म आ जाए तो फिर इसको कलकला करके पढ़ते हैं हिला कर पढ़ते हैं यहाँ पर जब वक्फ़ किया जाता है तो आखिरी लफ्ज़ हमेशा साकन किया जाता है यानी कि जज़् वाला किया जाता है अगरचे उसके ऊपर ज़बर है जेर है या पेश है हाँ अगर ज़बर के साथ आगे अलिफ है तो उसको पूरा पढ़ा जाएगा दाल अलिफ जबर दा अलिफ़र इस तरीके से और अगर दो ज़बर हैं तो उसमें एक ज़बर पढ़ा जाता है दो जेर है तो वहाँ पर भी जज़म पढ़ेंगे और पेश में भी दो पेश हैं तो फिर भी जज़म पढ़ेंगे यहाँ पर हम पढ़ेंगे अभी आहिद इसका वक्फ़ है عَهِد عاهد, عاهد. ح ميم زيرمي همي دال زابردا حميدا حميدا زبر دا. حمي دا. حمي دا. اور اس کا وَقْفُ حَمِيد حَمِيد कैफ जबर का रोजेर री करी है जबर है करी है करी है और इसका वक्फ कैसे करेंगे करी करी सीन जबर सा सखी रॉ जबर रॉ स खी रॉ और इसका वक्फ करेंगे सखीर स खीर रा को मोठा पढ़ना था लेकिन उससे पीछे वाले लफ्स के नीचे जब जेर आ जाए तो रा को बारीक पढ़ेंगे सखीर शीन जबर शाह रॉजे रि शरी बज़बर शरीबा शरीबा और इसका वक्फ पढ़ेंगे शरीब शरीब आइन जबर आ जीम जेर जी आजी बजरबा आजीबा आजीबा। इसका है। आजीब इसका वक्फ है आजिब आजिब यहां पर भी बाघ पर कलकला करेंगे ज़बर गौ दी बैबर बौदी बौदी ब यहाँ पर भी वक्फ करेंगे और बाकी पर कलकला कल करेंगे दिब गमजा जेर ई रॉ जेबर रॉ ईरो मीम जबर मै ईरो और यहां पर वक्फ करेंगे इ रम ई रम आन जेबर आ लाम जेरली आली मीम जबरमा आली मालिम आलिम वक्फ करेंगे आलिम आलिम या जबर या हमजा जेर ई य जबर सा ईस या इस और यहां पर वक्फ करेंगे या इस य इस जबर या ली जीम जबर जा, जा और यहां पर वक्फ करेंगे लिज यहां पर भी जिम पर कलकला करेंगे और आगे पढ़ेंगे हम सॉ ज़बर सॉ आइन जेर ई सई ज़बर जेबर कॉ सई सॉ और इसका वक्फ करेंगे कौफ के ऊपर कलकले के साथ साइक साइक जेर ई ई बी लाम जेर ली।, इबी ली।, इबी ली और यहां पर वक्फ करेंगे बिल बिल कैफ जेर की ब जेबर ब रॉ जेबर रॉ की बॉ की बॉ और यहां पर वक्फ करेंगे की बॉर की बॉर मीम जबर मै लैम जेरली मली कैफ जेर की मलिकी मलिकी और इसका वक्फ करेंगे यहां पर मलिक मलिक फै जबर फै बर लौफ जेरकी फैलकी फैलकी और यहां पर वक्फ करेंगे कल कल के साथ फैलक यहां पर है। फलक। तो कौफ है फैलक कौ जबर कॉ फै फी कॉफ़ीफ जेबर कौ तो और वक्फ़ करेंगे तोफी तो नाजरीन ग्राम हरूफ ख़लक़ी को हल्क से अच्छे तरीके से अदा करना है हमज है आन है और ग़ीन ख़ौ ये छः हरूफ़ हैं इनको अच्छे तरीके से अपने मखरज से अदा करना है जिस तरीके से खौफ़ है, तोफ़ी फ़ैल़ इस तरीके से और इन अगले प्रोग्राम में हम पेश भी पढ़ेंगे इन ये प्रोग्राम ये ज़बर जैर पेश तकरीबन सेम हैं एक जैसे हैं और इनशाला अगले प्रोग्राम में पेश भी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर ये मैंने सोचा है कि अलीफ़ से लेकर यहाँ तक एक बार फिर से पढ़ें सिर्फ़ अलीफ़ से लेकर यहाँ तक हरूफ़ मफरदात और उसके साथ एक बार मखारिज जो लोग हमारे साथ नए शामिल हुए उनकी आसानी के लिए और जो लोग पहले से शामिल हैं उनके लिए भी आसानी होगी दोबारा से रिपीट हो जाएगा उनके लिए और अच्छे से याद हो जाएंगे इन फिर मखारिज भी अच्छे हो जाएंगे और साथ साथ इन शलफ़ भी उनका दुरुस्त हो जाएगा तो हमारी कोशिश ये है कि थोड़े से वक्त में आसान अल्फाज में आपको आपके तलफज दुरुस्त करें, आपकी अदायगियाँ ठीक करवाएँ ताकि आप को बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ना सीख लें और अल्लाह ताला हमारे इस अमल को कबूल मंजूर फरमाए आपका भी टाइम देना हमारा भी अल्लाह रबलत अपने दरबार कबूल मंजूर फरमाए और इसका हमें बेहतर अजय अजीम अता फ़रमाएँ जिस जगह पर कुरान करीम सीखा जाता है सिखाया जाता है उसकी तलावत की जाती है तो अल्लाह हर इज़्ज़त की रहमत के फरिश्ते उस जगह को घेर लेते हैं और उनके लिए रहमत की दुआएं करते हैं ये बहुत बड़ा अमल है नाजरीन कराम हमारे प्रोग्राम के बारे में अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि हम इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर तरीके से आपकी खिदमत में पेश करें और आप आपके बच्चे आसान तरीके से आसान अल्फाज में कुरान करीम पढ़ना सीख लें नाजरीन इकराम इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं अगले प्रोग्राम तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और अहबैद टी वी और प्रोग्राम कुरान देखना ना भूलिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफि असल वरहल